इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है चीन को लेकर के, जहां इस वक्त भयंकर तबाही के बीच चीन में इस वक्त की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी त्रासदी सामने आ चुकी है। इस खबर के आने के बाद से पूरी चीन की सरकार हिल चुकी है और इस घटना के बाद पूरे चीन में पेट्रोलियम की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। बता दें कि चीन में इस वक्त बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां चीन के सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी में भयंकर ब्लास्ट की खबर आ रही है। इस खबर के आने के बाद से चीन में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। तो वहीं इस घटना का जो वीडियो इस वक्त सामने आ रहा है, उसको देखने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं। इतना बड़ा और इतने ज़्यादा बड़े एरिया में भयंकर विस्फोट की घटना हुई है। इसमें तकरीबन 5,000 से ज़्यादा वर्कर्स के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं इस विस्फोट के बाद आसपास के जो घर बने हुए थे वो भी बुरी तरह से जल चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। जो घटना इस वक्त हालात बन चुके हैं चीन में, आसमान में सिर्फ आग ही आग इस घटना के दौरान दिख रही है। पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से ढक चुका है। बता दें कि बीते कई दिनों से पहले ही चीन तबाही से जूझ रहा है, लेकिन इस घटना के बाद और भी ज्यादा हालात बदतर हो चुके हैं। तो वहीं इस घटना के पीछे जो वजह इस वक्त सामने आ रही है वो इससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो साथ ही साथ इस घटना के बीच दो तस्वीरें इस वक्त अलग अलग चीन के राज्यों से, चीन के प्रांतों से इस वक्त निकल कर आ रही हैं। बाढ़ के दौरान वो बेहद ज़्यादा तबाही का प्रतीक हैं। जो इस वक्त हालात चीन में बने हुए हैं बेहद ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, साथ ही साथ क्या तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी जैसे ही कोई और नई अपडेट सामने आती है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी पहुंचाई जा सके। दोस्तों, इस वक्त चीन लगातार बीते कई दिनों से भयंकर बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है। बाढ़ के बाद तेज आए भूकंप के झटकों और इसके बाद चीन में आए टाइफून ने पूरी तरह से चीन को बर्बाद कर दिया है। हालात इस वक्त ये चीन में बने हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं बेहद ज़्यादा भयावह है। बाढ़ की वजह से पूरा चीन तबाही से जूझ रहा है और इन सभी के पीछे की वजह सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि चीन की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं डैम भी हैं। इनकी वजह से कई शहर पूरी तरह से जमीन में धस चुके हैं। बड़ी बिल्डिंगों के क्षतिग्रस्त होने की घटना, जो तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, ये संघाई से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इस वक्त जल भराव की समस्या के साथ भयंकर बाढ़ देखने को मिल रही है। घर लगातार ढहते हुए इन समस्याओं के बीच दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस वक्त जो बीजिंग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बीजिंग में हाल इस वक्त बना हुआ है। ज़्यादातर लोगों को बीजिंग से स्थानांतरित कर दिया गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने पूरे चीन में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि सिर्फ चीन ही नहीं, इस घटना के बाद आसपास के देशों, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, जिन देशों को चीन पेट्रोलियम की सप्लाई करता है, उनमें भी हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। बता दें कि बड़ी घटना इस वक्त चीन में देखने को मिल रही है, जहां चीन की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी में इस वक्त भयंकर ब्लास्ट के बाद आग लगी हुई है और ये आग कई सैकड़ों एकड़ में फैल चुकी है। और इस आग के बाद जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, दमकल कर्मियों की लगातार गाड़ियों के बुझाए जाने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। लेकिन इन सब के पीछे की जो वजह है वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैरान करने वाली है। बता दें कि चीन ने यहाँ पर पेट्रोलियम को संरक्षित बहुत बड़े अमाउंट में कर रखा था। बता दें कि यहाँ पर चीन जो है वो भूगर्भ यानी जमीन के नीचे अपने जो बंकर बना करके रखा था, उनमें पेट्रोलियम को संरक्षित करके बड़े मात्रा में पेट्रोलियम को स्टोर करके रखा गया था। और बीते एक दिन पहले चीन में आए तेज भूकंप की झटकों के बाद यहाँ से पेट्रोलियम का लीकेज शुरू हो गया था, जिसके बाद हज़ारों लीटर जो पेट्रोलियम है वो इन सुरंगों से बह करके बाहर आ रहा था और इनमें अचानक इसके बाद विस्फोट की घटना हुई है, जिसके बाद ये तबाही चीन में देखने को मिल रही है। इस हालात पर चीन में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, लगातार इस पर काबू पाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की भी कोशिश चल रही है, लेकिन हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अभी माना ये जा रहा है कि
हफ्तों तक ये आग नहीं बुझाई जा सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम की मात्रा इन रिफाइनरीज के अंदर, इन रिफाइनरीज के बंकरों में बेहद ज़्यादा मात्रा में थी, जो चीन के पूरे चीन को आपूर्ति के साथ साथ आसपास के देशों को भी सप्लाई किया जाता था, और इस वजह से चीन में हड़कंप मच चुका है। इस घटना के बाद चीन में पेट्रोलियम की आपूर्ति आगे आने वाले 15 से 20 दिनों तक के लिए पूरी तरह से ठप हो जाएगी, और इसके लिए चीन लगातार अब फिर से प्रयास करना शुरू हो चुका है। बता दें कि ईरान से चीन लगातार इन सब चीज़ों की आपूर्ति करता है, आयात करता है, और इसे बाद इसे चीन में ही रिफाइनरी में इसे शोधित करने के बाद इसे प्रयोग में लाता है। लेकिन इस घटना के बाद से जो चीन का स्टॉक था उसमें तबाही मच चुकी है, और चीन में इस वक्त अगले 5 दिनों के अंदर अंदर पेट्रोलियम का बड़ा संकट पैदा होने की भी संभावना दर्ज की गई है। साथ ही साथ जिन देशों को चीन पेट्रोलियम आपूर्ति करता है वहां पर भी ये आपूर्ति बाधित हो गई है, और इन सभी घटनाओं को लेकर के शी जिनपिंग ने तत्काल कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही साथ इसके पीछे जो इस रिफाइनरी में आग लगने की घटना हुई है उसमें कसूरवारों को तत्काल रूप से निलंबित भी किया गया है। बता दें कि यहाँ ऑयल रिफाइनरी के इंजीनियर्स की गड़बड़ी की वजह से मशीन से ही रिसाव हुआ था, जिसके बाद यहाँ मशीन के गर्म होने के बाद यहाँ से ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसके बाद ये तबाही पूरे चीन में फैल गई है। चीन के इस पूरे क्षेत्र में इस तबाही को देखा जा सकता है। जो हालात चीन में बने हैं बेहद ज़्यादा खतरनाक है। पहले ही चीन में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। चीन का पूरा देश पूरी तरह से बाढ़ से त्रस्त हो चुका है। लगातार आए तेज टाइफून ने और इसके बाद भूकंप के लगातार तेज झटकों ने चीन में जो तबाही मचाई है, जो दृश्य इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप अभी देख पा रहे हैं, ये हालात चीन में बने हुए हैं। लोगों को रहने की ना तो छत बची है, ना ही खाने के लिए खाना, और चीनी नागरिक एक दूसरे देशों में लगातार लाइन लगा करके शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार घुसपैठ कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सकें। हालांकि तमाम देश इन चीनी नागरिकों को अपने यहाँ शरण देने से मना कर चुके हैं, और इसमें भारत भी शामिल है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि भारत और चीन के बीच लगातार रहने वाला तनाव, और हाल में ही इस वक्त जो अभी हालात बने हुए हैं चीन की गलवान घाटी में भी लगातार चीन और भारत की सेना आमने सामने हैं, और इसके बावजूद भारत ने इसको लेकर के आश्वासन दिया था कि वो चीनी नागरिकों को अपने यहाँ अपने सीमा हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में शरण देगा। लेकिन चीन की हरकतों के बाज न आने पर इस पर रोक लगा दी गई है। माना ये जा रहा है कि अब चीन के या लोगों को शरण भारत में नहीं दी जाने वाली है, क्योंकि इनमें एक वायरस के भी संक्रमण को लेकर के खबर आ रही है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे चीन में हो रही इन घटनाओं को लेकर के, साथ ही साथ चीनी या नागरिकों को क्या भारत में शरण देनी चाहिए? आप अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपके पास पहुँचती रहे।